नगर निकाय चुनाव को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है। जनपद के सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने पहुंचकर अपना नामांकन किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप पत्नी गौरव स्वरूप के साथ प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित दर्जनों भाजपाइयों ने कचहरी परिसर स्थित नामांकन स्थल पर पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि आज गौरव स्वरूप की पत्नी मीनाक्षी स्वरूप के साथ नामांकन कराने के लिए पहुंचे हैं। मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि उन्हें लगता है कि पिछले दो कार्यकाल से उनकी सरकार नगर पालिका में नहीं बन पाई है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चेयरमैन बनेगा। उन्होंने अतीक और अशरफ हत्याकांड पर कहा कि 15 से 20 साल पहले माफियाओं का अलग ही क्रेज था और युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं माफियाओं से भ्रमित हुआ करती थी। वो सोचती थी कि ये भी अच्छा काम है, बड़ी बड़ी बड़े बड़े असलहे, बड़े बड़े लोग और उनकी नमस्ते, इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में रचा गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि मुजफ्फरनगर के चारों ओर नेशनल हाईवे बन गए, रेलवे के काम हो गए, ग्रामीण सड़कें चौड़ी हो गईं, लेकिन जब शहर के अंदर वो देखते हैं तो वो सुधार नहीं हो पाया जिसकी आवश्यकता थी। और मुझे लगता है कि पिछली दो बार से हम रह गए थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जिस तरह का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निश्चित रूप से चेयरमैन बनेगा। मंत्री जी, पहले अतीक के लड़के का एनकाउंटर हो, अतीक भी मारा गया है, कल क्या कहेंगे? नामांकन दी, आप इसके चेहरे में खड़े हैं। 15 से 20 साल पहले की अगर आप बात याद करो तो जो माफिया होते थे उनका अलग क्रेज होता था और युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं दिख भ्रमित होती थी कि ये भी अच्छा काम है, शायद बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े असलाहे, बड़े बड़े लोग, उनकी नमस्ते, तो इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में रचा गया था। और आज क्या माहौल है, युवा पीढ़ी एक तरह से सबक ले चुकी है कि भाई इससे दूर रहना है, ये नहीं चल सकता इस प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, बदमाशी, गुंडागर्दी, माफियागर्दी नहीं चल सकती, ये सबकी समझ में आ गया। और भविष्य ठीक रहेगा, उत्तर प्रदेश में शांति और आगे भी शांति रहेगी। मंत्री, जिस तरह से मुजफ्फरनगर का विकास हो रहा है, लगातार चारों तरफ से विकास की लहर है, क्या आपको लगता है मुजफ्फरनगर शहर के अंदर भी एक तरह से विकास होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक दिन एक अधिकारी ने मुझे कहा कि मुजफ्फरनगर के चारों तरफ नेशनल हाईवे बन गए, रेलवे के काम हो गए, ग्रामीण सड़कें चौड़ी होगी, लेकिन जब शहर के अंदर हम देखते हैं तो शहर के अंदर वो सुधार नहीं हो पाया जिसकी आवश्यकता थी। 10 साल में अगर आप पिछले 9 साल का मेरा टेन्योर होगा, करीब 6-7 साल का कपिल देव अग्रवाल जी का हो गया, अगर आप चारों तरफ देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। और ये व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और मुजफ्फरनगर सरकार, ये तीनों एक सोच की सरकार अगर होंगी तो मुजफ्फरनगर शहर की सफाई व्यवस्था और अंदर जो यहाँ काम होने होंगे। अब देखिए, एनसीआर में हम आए, एनसीआर का हम और फायदा नहीं ले पाए, कई 1000 करोड़ रुपए एनसीआर बोर्ड में। अगर नगर पालिका मुजफ्फरनगर प्रस्ताव तैयार करेगी, लखनऊ से कपिल देव अग्रवाल जी प्रस्ताव भिजवाएंगे तो दिल्ली से मैं पास करवाऊंगा, ये अब तक कमी रही है। अगर इस शहर की व्यवस्थाएं वाकई ठीक करनी है तो तीनों सरकारें एक रहनी चाहिए, जब तीनों सरकारें एक होंगी जब ही शहर की व्यवस्थाओं में सुधार होगा। मेरा विनम्र निवेदन है मुजफ्फरनगर वासियों से, अगर मुजफ्फरनगर शहर को हमें साफ सुथरा, स्वच्छ और एक अच्छा शहर बनाना है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनवाने की कृपा करें। मंत्री को लेके कितना आश्वस्त है सर, जीत को लेके कितना आश्वस्त है, 2 बार से कांग्रेस का कब्जा रहा है? मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया कि 2 बार से हम हारे हैं और इस बार मुझे इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि पिछले 10 साल में जिस तरह से नगर पालिका चली है, सफाई व्यवस्था आप खुद देख सकते हैं शहर की क्या है। अगर इसे अच्छा कराना है तो बताना तीसरी सरकार ये सरकार है, मुजफ्फरनगर की सरकार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार जब मिलकर चलेंगे जब ही विकास होगा, जब ही स्वच्छ मुजफ्फरनगर होगा। विकास में तीसरे इंजन की जरूरत है जी, विकास में तीसरे इंजन की जरूरत है, बिल्कुल। तीसरे इंजन के बिना शहर, आप देखिए ना, चारों तरफ मुजफ्फरनगर के चारों तरफ रिंग रोड बन चुकी और काम हो चुके, शहर की व्यवस्था से अगर आप संतुष्ट है तो आप बताइए। ये इसीलिए तो है कि एक सोच के, एक विचारधारा के दो जनप्रतिनिधि आपके सामने खड़े हैं, अगर तीसरा भी एक ही विचारधारा का होगा तो काम बेहतर हो पाएगा। धन्यवाद।